बजे से नहीं आ रहे तो कल भी दौड़ करवा लिया तो अब आ रहा है नहीं जिस नाम से आपने सेव किया वो उसी नाम जितने आपने मार्किंग की होगी वो सारा शो होगा और उसके बाद भी आपको मार्किंग करनी है जो भी चीज आपको मार्क करना है मार्क लिख के ये सब सर ये देखिए ना जैसे आगे भी हाईलाइट आ रहा है आप मार्क कर सकते मैंने 25 बार ही बोल दिया डिस्कस मत करिए अपना बताओ कि आप क्या पहली था आपका चलो हो गया था कि मार्क कौन सी लाइन मार्क हो चुकी है वो कैसे पता चलेगा इसने कहा जो हाईलाइटेड है जिसपे हाईलाइट आ रहा है वो मार्क हो चुकी है हाईलाइट का सिनेरियो क्या रहता है कि आप अगर हाईलाइट में जाते हैं तो आपको वो मार्किंग वाले एरिया दिख जाएगा जो आपने मार्क करा ठीक है ना जी और बताइए क्या इसमें एक चीज और मैं बता दूं आपके पास ऑब्जेक्शन में जो फाइल आ रही है तो आप खोलेंगे इसमें ही फिर से नहीं बनाएंगे कैसे आप लोग काम कर रहे हैं क्योंकि सभी फाइल सबमिट नहीं कर रहे हैं अभी आपके तरफ ऑब्जेक्शन आपके पास आई है कुछ चेंज करना है यही प्रोजेक्ट खोलेंगे यहीं से चेंज करेंगे किसी भी हाईलाइट वाले में क्लिक करके आपकी ड्रॉइंग खुल जाएगी यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए यहीं पे मार्क कर लीजिए उसके बाद और इसी का लेआउट फिर से बना लीजिएगा तब सबमिट करिएगा ऑब्जेक्शन अगर बायलॉज का ऑब्जेक्शन आएगा जिसमें एपीजेड आपको फिर से लोड करनी पड़ेगी तो वो वाला सिनेरियो है वो कह रहा है आप लोग ऑटो कैड में बना वो अभी फिर से दिखा मिलेगा कैसे होगा बेसिकली हो क्या रहा है बहुत सारी फाइल्स आ रही है ऑब्जेक्शन में वो पीडीएफ बना दे रहे हैं उसकी कैड से सीधे सीधे सबमिट कर दे रहे हैं तो उसमें फिर वो सिग्नेचर जो पुराने वाले में चले जा रहे हैं अभी परसों किसी का फोन आया था कि सर वो नई वाली फाइल नहीं आई पुरानी आ गई तो प्रैक्टिकली इशू क्या है आपने जो है जो एपी फाइल थी प्रोजेक्ट था वो वहां नहीं खोला वहां पे एडिटिंग नहीं करी लेकिन आपने सीधे सीधे ऑटो प्लान खोल के जो भी कैट में आप काम कर रहे थे वहां चेंजेस करे पीडीएफ बनाई वो अपलोड कर दी तो आपको नक्शा वो वाला नहीं मिल रहा है और आपने ऑलरेडी ड्राइंग बना दी ठीक है मैं आपको बताता हूँ ऑटोमेटिक में सब क्लोज